ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने प्रीवियस कुछ 3 to 4 वीडियोस में, 3 वीडियोस हो गए थे इसके पहले, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स की स्टडी कर रहे थे। हमने अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग लॉजिक, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हमने उसमें अप्लाई किया। हर एक न्यूमेरिकल प्रीवियस न्यूमेरिकल से डिफरेंट था। कहीं ना कहीं सभी न्यूमेरिकल में आप देखोगे एक नई चीज़, नई ट्रिक हमें सीखने मिली। अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल हमारा रिपीट नहीं हुआ है। तो जब आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इस पर्टिकुलर इस वीडियो के बाद जो आपको मिलेगा वर्क, आप जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो कोशिश करना है कि आपके पास जितने भी आपने अभी जो वीडियोस बने हैं न्यूमेरिकल्स के, इसको फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए। किस क्वेश्चन में किस तरीके की लॉजिक लगी हुई है ये जानिए। ऐसा नहीं है कि बस जो सर ने लिखा है उसको टिपते जाना है। टिपना नहीं है, टिपने इन द सेंस कॉपी नहीं करना है, ठीक है। टिपते नहीं जाना है कि बस सर ने लिखा है, लिख रहे क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, जब आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे बनेगा नहीं, फिर आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल हार्ड है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा। ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिकल अगर आपके लेवल पर, ये सिलेबस अगर आपको मिला है आपके लेवल पर, तो आप कैपेबल हो, आप पूरे कैपेबल हो कि सभी न्यूमेरिकल्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ना ही किसी टीचर ना ही किसी फ्रेंड की आपको हेल्प पड़ेगी। पर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपके जो बेसिक है, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरीके की ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से कब सॉल्व किया जाता है, अगर आपने वो चीज़ें अच्छे से सुन ली, अच्छे से समझ ली और अप्लाई करने की कोशिश की है, मतलब यहाँ पे अप्लीकेशन अगर आप सीख रहे हो, तो आपके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आप जो सॉल्व करोगे, तब से ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, 2 से 3 बार रिपीटेड मोड में पढ़ना है, शांत दिमाग से उसको समझना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस में से गिवन निकालना आना चाहिए, मैं और टू फाइंड कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, टू फाइंड का है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस। बिना साइन कन्वेंशन, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो के लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने फोकल लेंथ को 5 से 10 कर दिया था, गलत हो गया था। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक माइनर सा पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर में पूरा डिफरेंस कर सकता है, ठीक है। 3 + 2 लिखा है तो 5 होता है, 3 - 2 लिखा है तो 1 होता है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए साइन कन्वेंशन में हमें हमेशा ध्यान रखना है, ओके। चलो अब फिर से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, हम देखते हैं अब ये न्यूमेरिकल हमें कौन सी नई लॉजिक सिखाता है, ये देखते हैं। हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम रट्टा नहीं मार रहे, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें समझना चाहिए। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है। फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सच्ची। ऐसा नहीं कह रहे कि हम फिजिक्स पढ़ा रहे इसलिए हम कह रहे हैं, फिजिक्स सच्ची में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थिंग इज दैट यू शुड एनालिस, उसको इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ओके ये आ रहा है, वो आ रहा है। इस तरीके से जब इमेजिनेशन पावर बढ़ाओगे तो आपका फिजिक्स ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर को लेकर। अरे चलो, अभी तक हमने कॉन्केव की स्टडी की, ये देखो अब नई वैरायटी देखने मिली। पहले ही वर्ड में आपको नई वैरायटी मिल गई, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन पढ़ते हम क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 cm इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहता कुछ। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। चलो लगा दिए कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होता है भाई, राइट हैंड साइड में ही होगा सर, क्योंकि कर्व पार्ट राइट में है तो फोकस और कर्वेचर राइट में हो जाएगा। सबसे बेसिक बात, सबसे बच्चों वाली बात है सर, हमें आती है। चलो बहुत बढ़िया है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 cm। ये कॉन्वेक्स मिरर एक इमेज बना रहा है और कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, 40 cm की दूरी पे रखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, यूं कह दिया 40 cm की दूरी पे है। चलो कह दिया आपने, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट डिस्टेंस 10 cm, अच्छा इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस 10 cm फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब वो कह रहा है जो इमेज बन रही है ना, वो कहाँ बन रही है, 10 cm पे, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब चीज़ एक चीज़ ध्यान देने जैसी बात है, ऑब्जेक्ट का है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यू कैसा रहेगा, नेगेटिव। एक प्रॉपर्टी हमें कॉन्वेक्स मिरर की याद आ गई कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज मतलब किस तरह बनेगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बनेगा, मतलब जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहीं यहाँ पे, कितना डिस्टेंस 10 cm, कितना डिस्टेंस है 10 cm।
मतलब कैसे हुआ, इमेज का है ऑन द राइट हैंड साइड है, इमेज ऑन द राइट हैंड साइड है मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए वेरिएशन सीखने मिला इसमें। क्या पूछ रहे हम हमसे, हमसे पूछे कि आप फाइंड कीजिए फोकल लेंथ क्या है, आप फाइंड कीजिए फोकल लेंथ इसका। चलो ठीक है, एक चीज़ बता दीजिए बच्चों की पर्टिकुलर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा। हम पहले ही बता सकते हैं, हम आंसर से पहले बता सकते हैं कि फोकल लेंथ पक्का पॉजिटिव है। फोकल लेंथ कितना आएगा वो हम देखेंगे, फोकल लेंथ ये तो कन्फर्म हो गया पॉजिटिव है। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब देखते हैं आंसर। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, या फिर आप u + v भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। f हमें फाइंड करना है, फोकल लेंथ बेसिक है। u की वैल्यू कितनी है, 40, बट कैसा 40, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में। 1/v, v कितना है 10, कैसा रहेगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन राइट हैंड साइड। 1/f = -1/40 + 1/10, ऐसे ही बनेगा है ना। एलसीएम क्या आएगा, 1/40 और 10 का एलसीएम बनता है 40, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा +4 है ना, सभी को एलसीएम आता है। ठीक है, अब क्या बन गया, 1/f = -1 + 4 will be +3/40। हमें फोकल लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा 40/3। इसका आंसर आएगा, अब डिवाइड करोगे 13.33 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 13.33 सेंटीमीटर। देखो मैंने पहले ही कहा था फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ही आया। कैसे आया, क्योंकि फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव ही आना था सर, ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। हमें पहले ही पता चल गया था सर कि पॉजिटिव आने वाला है। चलो बहुत ही बढ़िया है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बहुत ही आसान था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है भाई। चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लें इस क्वेश्चन का डायग्राम, सो दैट हमारा उतना स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे थे। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में गिवन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में कह रहे अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा है यार, कितना गिवन है 40। चलो ठीक है, फोकल लेंथ राइट में ही होगा। अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। पॉइंट सोर्स, अरे सोर्स कहीं से भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, एक सोर्स है जो 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। चलो मान लिया सोर्स से मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट आ रहा है, हाँ है ना। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमें गिवन क्या है। अब यहाँ पे गिवन बनाते हैं हम क्वेश्चन में, गिवन हमें है फोकल लेंथ कितना 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस गिवन है 40 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव एक बार देख लेते क्या बनेगा, फोकल लेंथ राइट में है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और कह रहे हैं कि फाइंड करो इमेज, इमेज मतलब वी फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कह दिया आपने, कह दिया है ना, हमें आता है, हम कोई डरते नहीं है, क्या बनेगा। अरे चलो बच्चों, अभी तक तो आपका सॉल्व भी हो गया होगा, है बहुत तेज हो आप, हाँ बहुत तेज हो रहे हो। यू प्लस अपॉन वी, चीज़ें क्लियर है, ये है पटापट बनाते हैं बहुत तेज़ी से। 1/ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है। यू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव सर। वी पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा सर वी तो फाइंड करना है, चलो वी फाइंड करना है। ओके, अब क्या करेंगे, 1/40 इस प्लस, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/40 = 1/v बन जाएगा। कैसे प्लस हो गया, ये माइनस था, माइनस को शिफ्ट करेंगे तो प्लस बन जाएगा, आया ना।
40 40 का एलसीएम, अरे सर 40 ही आता है, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा सर, ये 1 अपॉन वी हो जाएगा सर। चलो हो गया तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 अपॉन 40 हो गया, हाँ या ना। चलो एक साथ बोलो, जोर से बोलो, ठीक है। इन्वर्स कर देंगे तो वी इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 हो जाएगा, जो कहते हैं 20। तो V का वैल्यू कितना है, V आ चुका है 20 सेंटीमीटर। अरे पॉजिटिव आया है क्या, सही है, पॉजिटिव आया है, सही है या गलत है, पॉजिटिव आना चाहिए नहीं क्या आना चाहिए। हाँ सर पॉजिटिव ही आना चाहिए। अरे ऐसा क्यों बच्चों, अरे सर हमें पता है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कैसा है सर, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है सर, एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है सर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस होती है सर, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। सारी प्रॉपर्टी हम अब भी बता देते हैं सर आपको, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस होगी सर, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब ये इरेक्ट होगी और राइट साइड में होगी। तो राइट साइड में अगर है तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव ही आना है ना, पॉजिटिव आएगा, चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना। एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, पहले क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स के, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए बात करें, कॉन्वेक्स सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स को लेके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 40, इमेज डिस्टेंस कितना था 10, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, इमेज डिस्टेंस 20, क्या नोटिस कर रहे हो आप, क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हो। एक चीज़ नोटिस कर लिया हमने, ऐसा नहीं है कि 1/4 और हाफ हो चुका, वो तो नहीं है, मतलब जितना भी सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा उससे कम ही हमेशा इमेज का डिस्टेंस होता है। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सर आपने 40 का, इमेज का डिस्टेंस 20 है, फिर से कम आया, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है सर कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो पहले तो वर्चुअल इमेज बनाता है और हमेशा डिमिनिश बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड इमेज मतलब क्या होती है, छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होनी चाहिए इमेज, वही तो काम है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का काम तो यही तो है, हाँ ना। मतलब ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन हमसे बनता है, अगर हमें क्वेश्चन में आज पेपर में आ जाता है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जितना भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा उससे कम ही आपका इमेज का डिस्टेंस आएगा या फिर गिवन रहेगा, गिवन रहेगा या फिर आएगा। मतलब अगर गलती से आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है और आप 40 से ज़्यादा करिए, 44 45 41 तब तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, अरे नहीं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, क्योंकि सर ने कहा था कॉन्वेक्स मिरर की जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो हमेशा ज़्यादा रहता है इमेज के डिस्टेंस से, हमारा ज़्यादा कैसे आया, हमारा 45 कैसे आया, अगर गलती से आ जाता है तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, वो लाइट जो है हमारे माइंड का जो बल्ब है जो तुरंत जल जाना चाहिए, तुरंत ग्लो होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम अपने आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं, इससे क्या होता है हमारा आंसर हम खुद ही चेक कर सकते हैं, हमारे टीचर तक जाएगा ही नहीं आंसर, हम पहले ही बता सकते हैं राइट या रॉन्ग है, वी आर श्योर अबाउट आवर आंसर। और एक सबसे बेस्ट स्टूडेंट वही होता है जो अपने आंसर को लेकर श्योर होता है ना। आंसर तो सभी बनाते हैं पर कॉन्फिडेंटली श्योर आंसर जो दे वही बहुत बहुत आगे जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जब आंसर लिखते हैं या फिर बनाते हैं तो हम अपने उस आंसर को लेके श्योर रहें और हम क्लियर रहें, ये चीज़ें क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ गई पार्ट, बहुत ही बेसिक पार्ट था, ओके। चलो तो फिर आज का हम न्यूमेरिकल, अब लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और फिर सभी तरीके की लॉजिक हमने डेवलप कर लिए, सभी लॉजिक तरीके आप आ चुके सीख गए हो, ठीक है। तो मतलब अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जो आपका वर्क रहेगा वो आप सभी क्वेश्चन अपने से बना लोगे, ठीक है। अगर नहीं बनते तो आप पूछ सकते हो पर कोशिश करना है 1 2 3 टाइम्स, गलत होगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, पर उससे जब आप खुद से सुधारोगे तो आपको एक चीज़ सीखने मिलेगी कि आपकी गलती कहाँ हुई थी, हाँ है ना, गलती कहाँ हुई थी आप ये अब खुद से सीख सकते हो, खुद से जब हम सीखते हैं गलती तो हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। चलो अपन लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ कॉन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन कह रहा है फिर से कॉन्वेक्स मिरर की कहानी है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ये कुछ नया सीखने मिलेगा इसमें, कुछ नया है, क्या नया है हमें फाइंड करना है कि इसमें नया क्या है, ऐसा कैसा क्या है जो अभी तक के क्वेश्चन में नहीं था, लास्ट क्वेश्चन में आ गए फिर भी नया क्या है। कॉन्वेक्स मिरर है, एक इरेक्ट इमेज बना रहा है,
इरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हम. अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कैसा बना था 1/3 ये बात सर डाइजेस्ट हुई है हमें. सर ये तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बारे में बात कर रहा है ना सर. 1/3 हाँ बच्चों ये कर रहा है मैग्नीफिकेशन फैक्टर. मैग्नीफिकेशन फैक्टर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव. सर वर्चुअल इमेज कहाँ है क्वेश्चन में हमने सुना सर. आपने कहा इरेक्ट इमेज कहाँ है सर. अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट. इरेक्ट मतलब वर्चुअल. वर्चुअल मतलब राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मतलब सर पॉजिटिव. ये बन गया पॉजिटिव. क्या बात है. अब थोड़ा आधा पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का. इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 36 सेंटीमीटर. अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें. अभी तक तो पहली बार सुन रहे हैं हम ये 36 सेंटीमीटर. चलो कोई बात नहीं ये भी बना लेंगे हम. फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब क्या होता है सर. ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब वो कहाँ खड़ा है. मतलब कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो हुआ सर. अरे हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही हुआ आया ना. ठीक है चलो. अरे सर बहुत ही आसान है. अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं. अच्छा हो गया बच्चों आपका सॉल्व हो गया होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा. पॉजिटिव रहेगा सर क्योंकि रेडियस तो राइट हैंड साइड में कर्वेचर. सर हमें रेडियस की ज़रूरत ही नहीं हमें फोकल लेंथ की ज़रूरत है. चलो तो कोई बात नहीं. फोकल लेंथ हमें पता है क्या होता है आर बाई टू होता है. आर कितना है 36 है. 36/2 सभी बच्चों को आता है 18 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितना हो गया 18 सेंटीमीटर बन गया. हाँ है ना. अभी यू फाइंड करना. यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/f = 1/u + 1/v. चलो फट से सॉल्व करते हैं. अरे एक चीज़ ध्यान में आ गई कि एफ गिवन है. एफ हमारे पास है पर यू भी नहीं है और वी भी नहीं है. अब क्या करें. फिर से क्वेश्चन पे आते देखते हो कहीं कुछ तो हिंट दिया है क्वेश्चन में. अच्छा मैग्नीफिकेशन फैक्टर मतलब मैग्नीफिकेशन फैक्टर का कहीं ना कहीं यूज़ है. अब मुझे याद आया मैग्नीफिकेशन फैक्टर एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था ऐसे कैसे v = -v/u को लेके. वी के एम क्या है 1/3 -v/u. अब इस केस में हमें फाइंड क्या करना है. हमें यू फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे v के टर्म्स में क्वेश्चन को बना देंगे. ठीक है समझ गए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3 u को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और माइनस भी शिफ्ट कर देंगे. u ऊपर चले जाएगा तो v क्या बन जाएगा v = -u/3. हाँ है ना. कैसे बना. u को इस तरफ शिफ्ट कर दिया और माइनस को भी शिफ्ट कर दिया. u डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा माइनस इधर है इधर आ जाएगा. तो क्या बन गया v = -u/v. हाँ है ना. बन गया -u/v. तो ये बन गया आपका इक्वेशन ए. ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट. अब हम पुट कर सकते हैं पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन वन. अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे बने. 1/f = 1/u + 1/v होता है. f की वैल्यू गिवन है अभी निकाले सर 18 सेंटीमीटर. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. u हमें फाइंड करना है. v की वैल्यू क्या है सर 1/u/3 और u कैसा माइनस. हाँ है ना. सबसे पहले तो ये प्लस माइनस को सॉल्व कर देते हैं. प्लस माइनस माइनस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. प्लस माइनस माइनस 1/u = -u/3. ये माइनस यहाँ चले जाए माइनस हो गया. u/3 है इसे इन्वर्स करोगे तो क्या होगा 3 ऊपर चले जाएगा और u नीचे आ जाएगा. हाँ है ना. ये पार्ट समझ में आ गया. फिर से ध्यान दो 1/18 = 1/u + v की जगह पर हमने u/3 लिखा. u/3 - u/3. अब क्या किया माइनस प्लस माइनस हो गया. u/3 इस 3 को हमने इन्वर्स कर दिया तो डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले गया न्यूमिनेटर में u वही रह गया. सॉल्व करते हैं 1/18 = LCM क्या आएगा दोनों का सेम u 1 - 3. 1/18 = क्या आएगा -2/u. हाँ ना -2 आएगा. u की वैल्यू चाहिए हमें. u की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. u को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा u = -2 × 18 = -36 सेंटीमीटर. u क्या आ गया -36 सेंटीमीटर. हाँ है ना. चीज़ें क्लियर है. u की वैल्यू क्या आ गई -36 सेंटीमीटर. ओके चलो बन गया. बहुत ही आसान था. हमने एक लॉजिक बनाया था कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का डिस्टेंस हमेशा कम होता है तो देखते सही है या गलत है. ठीक है ये एक्स्ट्रा पार्ट है. ठीक है ये एक्स्ट्रा पार्ट है. यहाँ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर हम जो लॉजिक बनाए थे यहाँ पे भी वैलिड है या नहीं देखते. इस इक्वेशन में हम यू की वैल्यू डाल देते हैं. क्या था u v = -u/3 v =
यू की वैल्यू कितनी है, -36/3, माइनस माइनस कैंसल आउट, वी इक्वल्स टू 36/3, ये हो गया 12, वी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखो अभी भी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इमेज डिस्टेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तो सिर्फ आपको डायरेक्शन शो करता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। पर हमने एक जो लॉजिक बनी थी कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर का चीज़ें सॉल्व करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है और इमेज का डिस्टेंस हमेशा कम होता है। कॉन्केव में वेरी कर सकता है, कॉन्केव में वेरी कर सकता है नो डाउट, पर कॉन्वेक्स में लॉजिक बनती है जो वैलिड है हर एक पर्टिकुलर सभी न्यूमेरिकल। देखा ये पर्टिकुलर लॉजिक, सेम लॉजिक हमने कॉन्केव मिरर में यूज़ किया था, इसी लॉजिक को हमने यूज़ किया है कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपको समझ में आ गया कि हम सभी दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स में हम किसी भी तरीके का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप्स आपको सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान थे। अब जो वर्क करोगे, आप खुद से वर्क बनाओगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें ध्यान देनी है वो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन। अगर यहाँ पर गलत हो जाता है तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, चीज़ें क्लियर है, ओके। और जब भी आप रे डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो कम्प्लीटली स्टेप वाइज सॉल्व होनी चाहिए, स्टेप इसमें होनी चाहिए। किस तरीके से मैंने सॉल्व किया पूरे कम्प्लीटली स्टेप वाइज, इसी तरीके से कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करेगा। शॉर्टकट किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में वैलिड नहीं है। चाहे आपका आंसर सही हो, आंसर फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर स्टेप मिसिंग है तो आपका आंसर वैलिड नहीं है, चीटिंग मानी जाएगी कि आपने आंसर किसी से पूछे लिखा या फिर कहीं से कॉपी किया गया। चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, चलो ओके। तो ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सभी टॉपिक्स, थियोरेटिकल कंसेप्ट, न्यूमेरिकली हम ख़त्म करते हैं, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किसी भी कंसेप्ट को लेके, आप चैट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल को लेके डाउट होगा, अगर आपके पास कोई और दूसरे वेराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल जो आपको ट्राई करना चाहिए और आपको लग रहा है कि हमें ट्राई करना ही है न्यूमेरिकल्स हमारे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो आप कर सकते हो। अगर उसका सलूशन नहीं आता तो आप वो भी सलूशन हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर से कैसे पूछिए, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर रिलेटेड इस वीडियो से लेके या फिर इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर से लेके जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है, ठीक है, तो आप बिंदास आप पूछ सकते हो। चीज़ें क्लियर है, ओके, चलो थैंक यू।